गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ योर टंग्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि मेन बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये एक नॉर्मल साइज का मेन बोर्ड है, ठीक है, ज्यादा दो तीन रूम का है। उसके लिए आप एक एमसीबी चेंजर लेंगे। पुराना टाइप का चेंजर आप उतने बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। एमसीबी टाइप का जो चेंजर है अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने काफी जगह इसको इंस्टॉल करके देखा है। और उसके लिए आप एक बॉक्स लेंगे, एमसीबी चेंजर बॉक्स, दो इंडिकेटर, एक आपको मेंस बताएगा और दूसरा बताएगा कि जनरेटर का, जनरेटर के लिए इनपुट पॉइंट ये हो गया, ताकि आपको जनरेटर तरफ करना है तो एमसीबी चेंजर से चेंज करके आप जनरेटर तरफ, जनरेटर का सप्लाई जो है घर में दे सके। तो सबसे पहले इसको आप बोर्ड को कट कर लेंगे। मैं पहले कट कर चुका हूं ताकि आपका समय बच सके। उसके बाद सबको सही जगह लगाकर बोर्ड जब असेंबल हो जाए उसके बाद जनरेटर का इनपुट यहाँ देना है और जनरेटर के लिए इंडिकेटर जो है ये है। तो आपको क्या करना है, इससे इसका कनेक्शन कर देना है और उसी को लाके यहाँ पे दो फेज के लिए बनाना है। एक जनरेटर दे सकते हैं आप यहाँ पे, जनरेटर का दो तार, और जो बाहर से जो मेन आएगा, जो मेन इधर से आ रहा है उसको भी आपको यहाँ देना है, ठीक है। मेन भी यहाँ देना है और जनरेटर भी। तो मैं पहले जनरेटर का इंडिकेटर और पावर प्लग, जो भी ये पावर प्लग आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, जनरेटर इन करने के लिए, ठीक है, इसका कनेक्शन मैं पहले कर देता हूँ। पावर प्लग से इंडिकेटर का हो गया। और इसको देख लीजिए, फेज हमेशा राइट साइड दीजिए। नीचे वाले में मैं दे देता हूँ, नीचे दो दिया हुआ, दो इनपुट, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, तो मैं नीचे दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं मेन सप्लाई जो आता है लाइन, जिसको आप बोलते हैं, यहाँ दे दूंगा नीचे जनरेटर, ऊपर लाइन। तो पहले नीचे जनरेटर दे देता हूँ। थोड़ा बहुत शोरगुल आपको मिल रहा होगा क्योंकि मैं साइड से डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा बहुत शोरगुल मिलेगा, उसको आप इग्नोर करें। जो तार है, अब ये जो तार है वो बाहर से आया हुआ है, मेन जनरेटर वाला क्लियर हो गया। अब मेन जो लीजिएगा आप, डायरेक्ट आपको यहाँ आ जाएगा। उससे पहले दो और तार को आप इसमें जोड़ लें ताकि इंडिकेटर के लिए जाएगा। ये दो तार जो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो इंडिकेटर के लिए जा रहा है। मैं अभी तुरंत आपको क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल आप इस दो एक्स्ट्रा तार को ज्वाइंट करके इसमें अच्छे से कस लें। ये जो तार जो आप एक्स्ट्रा लगाए हैं उसको भी इधर से पास करा लें ताकि ये सीधा ले जाके आप इसको इंडिकेटर में दे दें, ठीक है। ये जो आया इंडिकेटर में यहाँ पे दे, इधर साइड भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप किसी भी साइड जोड़ सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, उल्टा सीधा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रह गया आपको ये जो घर में जाएगा, जो सप्लाई आपको आउटपुट, मैं फिलहाल एक बल्ब लगा के आपको दिखा देता हूँ, जो होम सप्लाई है वो, फिर उसको इधर से पास कराइए और पास करा के इस दोनों में कनेक्ट कर दीजिए। यहां से जो वायर निकल रहा है, देखिए आप बल्ब में दे दिया गया, इधर सब क्लियर है। और अब मेन सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है, अब मेन सप्लाई दिया जा रहा है। जैसे मेन सप्लाई देते ही यहाँ पे जल गया, लेकिन ये ऑफ है, चेंजर से अभी ऑफ है। जैसे हम उसको ऊपर करते सप्लाई चला गया बाहर, होम सप्लाई चला गया, यहाँ से होम सप्लाई बंद हो गया। अगर आप जनरेटर इनपुट यहाँ कर देते, ठीक है, तो आप नीचे करते तो फिर भी बॉल जल जाता, जनरेटर सप्लाई बॉल तक पहुँचता, अभी लाइन का सप्लाई बॉल तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये रहा मेन बोर्ड का जो मैंने कनेक्शन बताया, ये आया हुआ है इनपुट के एमसीबी में, ठीक है। ऊपर तरफ मेन है, यहाँ पे देख रहे हैं पीआर इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर, और ये जो ऊपर से जो निकला था ये होम सप्लाई में चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप करें, अगर हो जाता है तो ठीक है, हो ही जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।